हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर मिल्क और ड्राई फ्रूट से या फिर गोले वाली आइसक्रीम, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। होममेड आइसक्रीम है और आपको इसको खाकर अपने बचपन की यादें ताज़ा होने वाली हैं, क्योंकि बचपन में हम बहुत ही ज़्यादा गोले की आइसक्रीम खाते थे। मार्केट में सबसे ज़्यादा गोले की आइसक्रीम ही मिलती थी और कोई फ्लेवर नहीं मिलता था। तो ये किस तरीके से हम बनाएं घर पर और किस तरीके से खाएं, और सबसे बड़ी बात है कि ये व्रत स्पेशल भी है कि हम इसको व्रत में भी खा सकते हैं। बिल्कुल प्योर दूध से तैयार की गई है, साथ में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो चलिए, गोले वाली ये आइसक्रीम किस तरीके से तैयार हुई है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 1.25 लीटर दूध, फुल फैट क्रीम दूध है, और इसको हमने क्या करा है, बॉइल कर लिया है। ये हमें क्या करना है, गाढ़ा करना है। तो बिल्कुल जब ये हाफ हो जाए, इतना हम इसको गाढ़ा करना है, और बॉइल होते होते हमने इसमें डालना है, ये हमने लिया है सूखा नारियल होता है ना, वो वाला नारियल, यानी जिसे गोला भी बोलते हैं ड्राई, वो ले लिया है। और उसके हमने पीसेस बहुत बारीक बारीक कट करे हैं, वो भी हमने इस वाले नाइफ से, जो हमारे आलू छीलने वाला नाइफ होता है, उससे हमने इसको कट किया है। और ये भी देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक सा स्लाइस हमारा हो गया है। नॉर्मल नाइफ से भी कर सकते हैं, चिप्स वाले जो कटर होता है उससे भी कर सकते हैं। तो एक बाउल हमने ये पीसीज कट किए हैं, और इस बाउल जो पीसीज हैं वो हमने डाल दिए हैं इस उबलते हुए दूध में, और इसी के साथ हमें ये बिल्कुल गाढ़ा करना है। बिल्कुल गाढ़ा यानी बिल्कुल गाढ़े से मतलब हमें इसको आधा करना है, जितनी क्वांटिटी है उसकी बिल्कुल हाफ क्वांटिटी करनी है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको बॉईल होने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसके साथ हम अपना दूसरा काम भी देख सकते हैं। तो हम इसको बोलते हुए गाढ़ा कर लेते हैं। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी अपने स्वाद अनुसार हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। लगभग 1 छोटा कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और इसको भी हम अच्छे से कुक करेंगे, ताकि एक पानी जो छोड़ेगा वो अलग सा टेस्ट देता है, तो वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा हमें कुक करना है ये। थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पर इलायची को, दरदरा कूट लिया है, 2-3 इलायची ले ली हैं, उसको दरदरा कूट लेंगे। और अब साथ में ले ले रहे हैं हम ड्राई फ्रूट्स। वैसे तो ये गोले वाली हमारी आइसक्रीम बनती है, जो हम गाँव में खाते थे वो बिल्कुल गोले वाली रहती थी, और कहीं कहीं उसमें इलायची का दाना भी रहता था, लेकिन थोड़ा सा और टेस्ट इंक्रीज करने के लिए हम इसमें डालें कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं थोड़े से चॉप्ड काजू, बादाम और किशमिश, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अपने इच्छा अनुसार आप इसमें कितना भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, जितना भी आपने ड्राई फ्रूट खाना चाहिए उतना आप ले सकते हैं। या आपको अगर नहीं पसंद है या आप नहीं डालना चाहते हैं, तो आप खाली कच्चे नारियल से या ड्राई नारियल से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राई नारियल से यानी सूखा जो गोला होता है उससे बना रही हूँ, आप कच्चे नारियल से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा 5-10 मिनट और इस तरीके से बॉईल होने देंगे। उबलते हुए दूध में हमने सभी ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं। ये खरबूजे के जो बीज होते हैं यानी गिरियाँ, वो उसको मैंने ऐसे ही नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया है यानी थोड़ा सा उसको भून लिया है, ताकि वो बहुत ही अच्छी क्रंची सा इसमें फील हो खाने में। तो ये भी डाल दिया, और अब थोड़ा सा हम बॉईल करेंगे इसको। तो जो दूध है हमारा बिल्कुल आधा हो गया है, यानी जो 1.25 लीटर था उसका हाफ आप बिल्कुल आधा करना है इसका दूध का, और ये हमने कर लिया है। अभी थोड़ा ठंडा होकर भी गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा थिक करना है या ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा चलाकर उसको गाढ़ा कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे पंखे के नीचे रख के। तो अभी हम इसको ठंडा कर लेते हैं। सारा जो दूध है वो अच्छे से ठंडा हो गया है, और अब हम इसे एक कंटेनर में या एक बाउल में डाल देंगे। कंटेनर में डाल दिया है, फॉइल पेपर से हम इसको कवर करेंगे, और 8 से 10 घंटे हम इसको डीप फ्रीजर में रख देंगे, ताकि जो हमारी आइसक्रीम है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं। तो ये हमारी जो गोले वाली आइसक्रीम है बनकर सेट हो गई है बहुत ही अच्छे से, और अब हम इसको कट करेंगे। तो ये हमारी गोले वाली आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही टेस्टी है और खाकर आपको मज़ा आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल ही प्योर दूध से हमने बनाई है, इसमें कोई भी हमने ऐसी चीज़ें नहीं ऐड की हैं कि जो कोई बाहर से ली है, जैसे कि कॉर्नफ्लोर है या
कंडेंस मिल्क है या फिर हमने इसमें कोई भी कस्टर्ड मिल्क कोई भी हमने इसमें ऐड नहीं किया है, प्योर दूध से और ड्राई फ्रूट से ये हमारी गोले वाली आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।